दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम से अपने किसी भी फ्रेंड की स्टोरी को अपनी गैलरी में डाउनलोड करना चाहते हैं, वो भी म्यूजिक के साथ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एकदम सिंपल एवं आसान तरीका बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपने किसी भी फ्रेंड की स्टोरी को अपनी गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। तो आपको इंस्टाग्राम से अपने किसी भी फ्रेंड की स्टोरी को अपनी गैलरी में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है। अब यहाँ पर आपके जितने भी फ्रेंड ने स्टोरी लगाया होगा, यहाँ पर आपको उनकी स्टोरी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जब भी आप इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं तो आपके काफी सारे फ्रेंड होते हैं जो काफी अच्छा अच्छा स्टोरी लगाए होते हैं, और आप चाहते हैं कि उन्हीं स्टोरी को मैं अपने गैलरी में डाउनलोड करके मैं खुद से वही स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पर लगाऊं। अब आपको अपने इंस्टाग्राम में जिस भी फ्रेंड की स्टोरी को अपने गैलरी में डाउनलोड करना है, यहाँ पर आप उस स्टोरी को देख लीजिए। चलिए मैं अपने किसी भी फ्रेंड की एक स्टोरी को अपने गैलरी में डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मनोज दे हैं, मैं इनकी स्टोरी को अपने गैलरी में डाउनलोड करना चाहता हूं। तो यहां पर इन्होंने जितना भी स्टोरी लगाया होगा, यहां पर इनकी सारी स्टोरी यहां पर देखने को मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए मुझे इसी स्टोरी को अपनी गैलरी में डाउनलोड करना है, तो आपको जिस स्टोरी को अपनी गैलरी में डाउनलोड करना है उस स्टोरी को आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में एक शेयर का आइकन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक कॉपी लिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस स्टोरी के लिंक को कॉपी कर लेना है। अब आपको अपने इंस्टाग्राम को यहाँ से बैक कर देना है। आप अपने मोबाइल में कोई सा भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूँ। जैसे आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ सर्च करना है स्टोरी सेवर। जैसे आप स्टोरी सेवर सर्च करेंगे, अब यहाँ पर आपको काफी सारी वेबसाइट देखने को मिल जाएंगी। जो आपके सामने पहली वाली वेबसाइट दिखे, आपको उसी वाली वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे आप पहली वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे, अब आपके सामने ये वेबसाइट कुछ इस प्रकार की ओपन हो जाएगी। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको एक डाउनलोड इंस्टाग्राम स्टोरीज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको इंटर इंस्टाग्राम अकाउंट यूजर नेम। अब यहाँ पर आपको कुछ टाइम तक ऐसे टच करेंगे, यहाँ पर आपको पेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपने जो भी स्टोरी का लिंक कॉपी किया है उस स्टोरी के लिंक को यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपको आई एम नॉट अ रोबोट पर टच करना है। जैसे आप इस पर टच करेंगे, आपने अपने इंस्टाग्राम से जिस भी फ्रेंड का स्टोरी को डाउनलोड करना चाहते हैं उसकी फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने चार स्टोरी लगाया है। जैसे मान लीजिए मैं इस वाली स्टोरी को डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो भी स्टोरी को डाउनलोड करना है उसके जस्ट नीचे आपको सेव एज वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ सेव एज वीडियो पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर मुझे वो स्टोरी देखने को मिल जाएगी। आप स्टोरी को प्ले करना चाहे तो यहाँ से प्ले कर सकते हैं। अब आपको इसे अपने गैलरी में डाउनलोड करने के लिए सबसे नीचे यहाँ पर आपको एक थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोड सक्सेसफुली। अब ये स्टोरी मेरे गैलरी में डाउनलोड सक्सेसफुल हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।